नमस्कार, सच कहूं पंजाबी बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। नजर पौने देश दुनिया समेत पंजाब सूबे दीआं वड्डीआं खबरां ते। भारत में वधदे मामले, कोरोना की तीजी लहर वेल संकेत, माहिर बोले घबराउण की लोड़ नहीं, प्रीकोशन वरतना लाजमी। वध रहे ओमीक्रोन मामलों नूं लैके दिल्ली अंदर वीकेंड करफ्यू का ऐलान। दिल्ली समेत देश के उत्तर पक्षम इलाकों में बदल छाए रहने की खबर, रात में बारिश के आसार। कड़ाके की ठंड च प्रदूषण की मार, घट्टो घट तापमान 4.2 दर्ज, दिल्ली में हवा का पद्धर 387 बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। पटियाला अंदर मुड़ तो होया कोरोना ब्लास्ट, राजेंद्र और गौरमेंट मेडिकल कॉलेज 60 जूनियर डॉक्टर 40 MBBS स्टूडेंट को होया कोरोना। सेहत खराब होने के चलते फांसी की सजा दाबता बलवंत राजुआना का पटियाला के राजेंद्र अस्पताल विखे करवाया गया चैकअप। पंजाब च नाइट करफ्यू लागू, सारे विद्यक अदारे बंद, लगियां होर भी सख्त पाबंदियां। केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट तो बाद पंजाब च विधानसभा चोणां लई भगवंत मान दे सीएम चेहरे दी अफवाहां दा माहौल होया सरगर्म। केजरीवाल नूं होया कोरोना, पंजाब विच हड़कंप, बिना मास्क दे चंडीगढ़ अते पटियाला विच कीती सी रैली। सिद्धू दे कलेश विच दिल्ली पुजे चार मंत्री, वेणुगोपाल नाल मिलके रंधावा बोले पंजाब चोणां कांग्रेस दे नाम ते लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिरोजपुर विखे 42,750 करोड़ तों वध दे विकास प्रोजैक्टां दा रखणगे नींह पत्थर। पंजाब च कोरोना पाबंदियां लगाए जाण तो बाद सेहत मंत्री दा वड्डा बयान, जारी हदायतों की सख्ती नाल करवाई जाएगी पालना। संगरूर पुलिस ने हाईवे तो लुटन वाले अंतरराज्यी गिरोह के 2 मैंबर किए काबू। मुख्यमंत्री चन्नी का बेतुका बयान, अरविंद केजरीवाल पंजाब के लिए कोरोना, सानू बाहरी बीमारी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली तो पहला पंजाब के डिप्टी सीएम का वड्डा बयान, चुनावी रैलियां ते पाबंदी लगाए केंद्र, जब स्कूल कॉलेज बंद तो इन्नी भीड़ मंजूरी क्यों। पंजाब सकत्रेत विच कोरोना का खौफ, कर्मचारियों के बेवजह घूमण ते रोक, बिना वैक्सीनेशन किसी नूं एंट्री नहीं, कोरोना टैस्ट होया लाजमी। लुधियाना विच रेलवे क्वार्टर विच मिले 4 शव, संदिग्ध हालातों विच बच्ची समेत परिवार के 4 मैंबरां दी मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ते खराब मौसम का संकट, पंजाब विच 3 दिन खराब रहेगा मौसम, 5 जनवरी नूं मोहले धर्मी अते गड़े पैण की चेतावनी। हरियाणा विच 9 जनवरी तक हल्की तो मध्यम वर्खा की संभावना, मौसम लगा बदलन, कई जिलों में बूंदाबांदी, बदलों नाल ढकिया रहा आसमान। हरियाणा विच पहाड़ दरकन के मामले में पहली FIR, मृतक तूफान सिंह के भरा की शिकायत से दर्ज किया गया केस। विधानसभा हलका फाजिलका तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरिंद्रपाल सिंह सवना वालों रैली करके किया गया दफ्तर का उद्घाटन। फिलहाल इस बुलेटिन चैनल ही, ज्यादा खबरें देखने लिए तुसी देखते रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।